गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब देखो जो फर्स्ट लॉ है वो सेकेंड लॉ में ही निहित है। आपको हमने मोमेंटम ही पढ़ाया था और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ से हम लोगों ने देखा था कि एफ इक्वल एम ए आता है। तो फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है या सुपर एम, तो वी नो एफ सुपर एम ए क्योंकि या सुपर जीरो। If no external forces apply at a body or at a system of body, ये F equal अगर जीरो है तो then M A equal जीरो, तो मास तो जीरो होगा नहीं अगर P बॉडी है तो acceleration आपका जीरो हो जाएगा। acceleration आप जानते हो rate of change of velocity is called acceleration, delta V by delta T इक्वल जीरो और डेल्टा भी इक्वल जीरो। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मीन्स दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने यही लिखा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो उसका वो जिस वेग से चल रही है उसी वेग से चलती रहेगी, मतलब जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में जा रही है उस स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती और रहेगी, उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर समाहित है। तो ये रहा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। अब देखो एक चीज है, अगर इस फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पर थोड़े समय के लिए लगाया जाए और फोर्स ज्यादा हो, अगर जितने ही कम समय के लिए लगाएंगे फोर्स की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी और इसी को कहेंगे हम इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या है इसको हम देखते हैं। इम्पल्स ऑफ फोर्स एनी फोर्स is applied at a body for short time interval then product of force and time interval is called impulse of force. इंपल्स आई इक्वल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल या फिर डेल्टा टी। फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल एम ए आई इक्वल एम ए डेल्टा टी। देखो इसकी यूनिट में वो न्यूटन सेकेंड है,
न्यूटन सेकेंड। आईक्वल एम ए डेल्टा के, देखो एक्सेलरेशन इक्वल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है आपके, आई इक्वल एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ये कैंसिल हो गया, इक्वल एम वी माइनस यू, और आई इक्वल एम वी माइनस एम वी। दिस इज मोमेंटम, आई इक्वल सी टू माइनस क्यू वन, दैट इज डेल्टा, आई इक्वल डेल्टा सी इज मोमेंटम। तो यहां मिलता क्या है हमको, इंपल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम। अगर मान लो ये कह रहा है इंपल्स ऑफ फोर्स की डिफिनेशन, कि अगर कोई फोर्स 60 टाइम इंटरवल के लिए आउटपुट की जाए किसी बॉडी पे, तो फोर्स और टाइम इंटरवल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसे हम इंपल्स कहते हैं। इंपल्स आई पर एफ डेल्टा के मिलेगा, तो यहां से इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड हो जाएगी। अब इस दिन F equal ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, m a into डेल्टा t, a equal डेल्टा v by डेल्टा t होता है, ये हो जाएगा m डेल्टा v by डेल्टा t, डेल्टा t से मल्टीप्लाई हो गया m डेल्टा v, डेल्टा v मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यहां मल्टीप्लाई कर दिया m v माइनस m u हो गया। ये अंतिम मोमेंटम है और ये प्रारंभिक मोमेंटम है p2 माइनस p1, इसको हम डेल्टा p लिख सकते हैं। मिला क्या हमको, इंपल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम, ये चीज हमको मिल रही है यहां। तो ये रहा इंपल्स ऑफ फोर्स। अब देखो एक बहुत ही मजेदार चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था F equal delta P by delta T, यही तो है आपका न्यूटन सेकेंड का आप मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें अगर हम F equal जीरो कर दें तो then delta P equal जीरो, और P1 equal to मतलब पी इनिशियल इक्वल टू फाइनल, कहें का मतलब मोमेंटम कंजर्व हो गए। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ये चीज इसलिए इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एट ए बॉडी और एट अ सिस्टम ऑफ बॉडी in its momentum, यहां से हमको मिलता है m1 v1 equal m2 v2।
इसलिए हम लोग जो है जो जैसे गन है, गन से हम किसी भी बुलेट को हम दाग गए हैं तो गन की भी कॉइल वेलोसिटी क्या होगी, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि गन और बुलेट का जो संयुक्त मोमेंटम है वो जीरो है। अब उसके बाद जब उससे बुलेट दागी जाती है तो बुलेट का मोमेंटम बराबर गन का मोमेंटम। अब डायरेक्शन क्या होगी, भाई बुलेट आगे जा रही है तो गन के स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए वी विल स्टडी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसलिए हम समझते हैं कि आप नाइन्थ में हो, आपके लिए आगे बढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए कि आप बच्चे हो अभी और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी अगर हम आज ही पढ़ा देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा होगा। पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए और आप तैयार करते रहिए। फिजिक्स का सिलेबस तो लंबा नहीं है आपने, वो समाप्त हो जाएगा आराम से। तो फॉर टुडे थैंक यू, हैव ए नाइस डे।